फेमस खेले जब हम जीतने को भूया फुल फील्ड में जो करे फ्री फायर उम्दा गेम बोलते ओ बी भूया ये राइट टू साइड गेमर्स खेले जब हम जीतने को भूया। सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आगे मैं कोर ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और दोबारा से कर रहे हैं, दोबारा से नहीं यार, और आज कर रहे हैं हम चैलेंज, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। हाँ, चैलेंज तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ये थॉमसन चैलेंज है। फर्स्ट राउंड में तो यूएसपी यूज़ करेंगे हम लोग और ये थॉमसन चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, और सेकेंड राउंड में थॉमसन लेंगे। तो चलो यार वीडियो को तो देखो। और यहाँ पर मुझे एक बंदे ने डैमेज दे दिया था और यहाँ से इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, बट ये नॉक नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता हूँ, तो मैं यहाँ से निकलने का फैसला करता हूँ। और ऊपर अब जब ये किसी और पे एम लिया हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको मारता हूँ, और ये सब एडम बन के आए हुए थे भाई। अब इसको मैं ले लेता हूँ और उसका टीममेट कवर देता है, तो मैं इसको फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, बट यहीं पर मेरे पिंग साइज चल जाते हैं। मैं सोच रहा होता हूँ क्यों नहीं हो रहा ये ख़त्म, क्यों नहीं हो रहा भाई, मर जा मर जा मर जा। मैं नोटिस नहीं करता कि मेरा 999 हुआ है, तो जब तक वो बंदा निकलता है और मैं उसको इतना मारता हूँ नॉक नहीं होता। अब देखो, अब मुझे पता कब लगता है इसको मारा मैंने, ये मुझे डैमेज आ रहा है, वो बंदा मार कहीं और रहा है, मर मैं रहा हूँ। अब मुझे पता लगता है कि ये बंदा मुझे मार रहा था और मेरा 99 हुआ हुआ था यहाँ पर, फिर तो मेरे पिंग सही हो जाते हैं, लेकिन तब जब मैं मर चुका होता हूँ। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हार जाते हैं, हार जाए, हार गए हार गए हार गए, और अब मेरे पिंग सही होना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने थॉमसन ले ली थी, फिर एक ग्लूवर ले लेता हूँ मैं। सबने, मैं अब चेक कर रहा था कि सबने लिया है ना थॉमसन, कहीं कोई और कोई गन ना ले ले, और यहाँ पर सबने तो थॉमसन ले ली थी। अब हम लोग इस प्लान में थे कि हम डायरेक्ट घुस के मारते हैं, लेकिन अब क्या ही मंजूर था, हम लोगों ने तो रश कर दिया लेकिन वो लोग घूम के आ रहे थे। अब मेरे टीममेट ने एक बंदे को लिया और मैं रश कर देता हूँ, क्योंकि हमारे टीममेट को उसने गोली मारी और वो निकल जाता है, मरता नहीं है। मेरा टीममेट उसे डैमेज तो देता है बट वो भाग जाता है। अब जब तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे वो निकल चुका था, और मेरे टीममेट सैफ को पता लग जाता है कि वो बंदा है किधर, और मुझे नोटिस नहीं होता, मैं यहाँ जाता हूँ, पीछे से गोली पड़ती है, पीछे आ जाता हूँ और कवर में चला जाता हूँ फिर मैं, क्योंकि पीछे भी बंदे थे यहाँ भी बंदे थे तो मुझे डर था। इतने में हमारा एक बंदा तो नॉक हो चुका होता है वहीं पर, और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर बंदा होता है, पहले मैं वापसी आता हूँ फिर उसके बाद डैमेज देता हूँ, फिर जब मैं कवर में आता हूँ तो मुझे बुलेट पड़ती है, और फिर उसके बाद मेरे टीममेट कवर दे देता है, और फिर इसी के साथ मुझे मिल जाता है रिवाइव, और फिर मैं अपने टीममेट को बचाता हूँ और साथ में हील भी करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग तो हो गए थे सब रिवाइव वापसी, और अब मेरा एक टीममेट अपना राइट से चला गया, और अब मैं शॉटगन उठ जाती है तो मैं शॉटगन ड्रॉप कर देता हूँ, और मेरा एक टीममेट राइट से जा चुका था और मैं लेफ्ट से जा रहा था, और मेरा एक टीममेट बीच से गया। अब मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया, मुझसे पूछ रहा था कि बंदे किधर है, वो ऊपर था, मेरा नेट ग्लिच हुआ क्या हुआ कि वो इतना तेज़ी से फ्लैश की तरह पहुंच गया, तो मैंने अपने टीममेट सैफ को बोल दिया था कि तुम सीढ़ियों से कोई बंदा आएगा एकदम रेडी रहना, बट उसने बोला कि जोन है अब कैसे आएगा, लेकिन वो आ जाता है, और मैं यहाँ पर हेड भी देता हूँ उसको 48 का वर्ड, सैफ को किल मिल जाता है। यहाँ पर मुझे 15 स्पॉट हो जाता है और मेरा टीममेट अब्दुल्ला नॉक हो जाता है इसी के साथ। मैंने इतना डैमेज दिया बट किल किसी और को मिल गया, तो अब मैं क्या ही करता, मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया। और ये मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, वॉइस ओवर पूरा कर चुका था, बट तन क्या स्कैम यार, गलती से दोबारा से हो रही है रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे एडम से मरने वाला हूँ एडम से मर जाता हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं जहाँ पे जैसे ही इस जगह पे पहुँचता हूँ वैसे सामने से एडम, और मेरी ग्लू वाली नहीं लगती भाई, कितना ट्राई किया था मैंने टैप करने का बट पता नहीं किधर ही टैप हुआ, और मैं फ़ौरन भागने का ट्राई करता हूँ बट मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ, फिर मेरे टीममेट उसको फिनिश कर देता हूँ उस बंदे को,
जिसने मुझे मारा था, जिसने मुझे फिनिश किया था, उसको मेरा टीममेट अब्दुल्ला फिनिश कर देता। और उसके बाद ये बंदा जो है M1887 उठा लेता है, और उसको मैं फिर बोलता हूँ यार ड्रॉप कर दो, ड्रॉप कर दो, हम थॉमसन चैलेंज करते हैं, कर रहे हैं, तो ये ड्रॉप कर देता है। और उसके बाद सैफ सैफ ऊपर एक नॉक कर देता है। देखो मैंने बोला उसको हेड दे, बट उसका हेड नहीं लगा और नॉक हो गया वो। इसको पता ही नहीं अपने किल के चक्कर में भाग रहा है, यहाँ पे भी बंदा और यहाँ पे भी बंदा, इसके पीछे और आगे भी बंदे थे, तो ये नीचे गिर जाता है गलती से। और वो एडम मेरे ख्याल से सही का ही एडम था, क्योंकि उसका वो ब्राउन्स पे है। और इसके बाद ये मेरे टीममेट जो है एक बंदे को ले चुके होते हैं, और एक बंदा उनका नीचे कूद चुका होता है। तो मैं सैफ को बोलता हूँ कि नीचे कूदा है तेरे राइट के अंदर बंदा, लेफ्ट में, सॉरी मैं बोलता हूँ लेफ्ट में बंदा, और ये पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, इसको डायरेक्शन समझ ही नहीं आती, गोल गोल घूम रहा होता है। और भाई फिर उसको स्पॉट हो जाता है बंदा, जैसे मेरा टीममेट नॉक होता है, और इसको स्पॉट हो गया था तो ये भागता, वैसे ही मेरा टीममेट नॉक हो चुका होता है, वैसे ही हेल्थ कम थी, और हमारे टीममेट को बचा लेता है, मेरा टीममेट बचा लेता है यार। और अब यहाँ पर हम लोग सैफ का लैग हो जाता बहुत गंदा वाला, तो वो बोलता है यार कवर दे दो, कवर दे दो, कवर दे दो, बट मुझे किल की पड़ी होती है। और यहाँ पर फिर हम लोग निकलते ही हैं सीधा रश करने के लिए, और ये इससे मैं बोलता हूँ थॉमसन दे दे, एमओ मांगता हूँ बट वो देता नहीं है, मैं निकल जाता हूँ सीधा निकल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे बाद में दे देना एमओ, जब कम हो जाएगी तब ले लूँगा। और फिर जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक बंदे को ले लेता हूँ, हेडशॉट 3 मारता हूँ बट किल बॉडी से आता है। ये देखो 3 हेडशॉट बट किल बॉडी का था, और इसका यहीं पे लैग हो जाता है सैफ का, तो बोलता है मुझे कवर दे दो, कवर दे दो, कवर दे दो, प्लीज़ यार कवर दे दो। मैं इसके पास आता हूँ बट फिर वापसी चला जाता हूँ, इतने पीछे से कोई बंदा आ जाता है और मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, इतने में पीछे से बंदा आता है और मैं बोलता सैफ तुम मर गए। तो फिर वो बोलता है यार बोला था कवर दे दो, इतनी सारी लूट थी सब चली गई, तो ये मैं इसको मारता हूँ। और फिर हम जीत ही चुके होते हैं तो मैं इसकी लूट कर लेता हूँ, 3 ब्लू होल हो चुकी थी मेरे पास, और फिर सैफ के पास 6 होती हैं तो मैं उससे लूट लेता हूँ 6 की 6। बोलता है यार मेरी ग्लू वॉल दे देना यार, तो मैं बोलता हूँ ले ले भाई ले ले ग्लू वॉल। और फिर यहाँ पे मैं वेस्ट लेता हूँ और अपने लिए डेजर्ट ईगल लेना चाह रहा होता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है हम तो थॉमसन चैलेंज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं उसको 2 ग्लू वॉल देता हूँ, बोलता है फिर मैं बोलता हूँ उसको अबे पहले ले लेते, फिर ड्रॉप करता है फिर खरीदता है, और फिर उसके बाद मैं उसको 3 दे देता हूँ ग्लू वॉल्स। इसको एक थॉमसन भी बाय कर देता हूँ मैं, इसके बाद डबल थॉमसन हो जाए, और उसको 100 से ज़्यादा की तो एमओ ड्रॉप कर दी थी, 120 एमओ ड्रॉप की। और उसके बाद मैं 2 टाइम नॉक हो सकता हूँ, हो सकता क्या हो गया था। और यहाँ पे मेरा जेके हसाम बहुत फुर्ती से ग्लूअर लगा रहा था भाई, और यहाँ पे मेरी गोभी खुद गई। गोभी खुदने ही वाली थी, देखना अब मैं कैसे नॉक हुआ। ये नॉक हो गया भाई, एक ही बार नॉक होता हूँ मैं इसमें, क्या मैं 2 से 3 बार बोल रहा हूँ। और मैं इतना सा कवर में, इतने में मेरा कज़न सैफ नॉक हो जाता है, कज़न भी है मेरा, इसका भी चैनल है टिंकू गेमिंग करके, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना यार, लिंक नहीं मैंने वो किया हुआ है फीचर्ड चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर दो। और अब इसको तो मैंने बचा लिया था पूरा पैक करके, और ये फिर उस पर रश करता है और दोबारा से नॉक हो जाता है, और मेरी गन नहीं निकलती क्योंकि मैं जंप कर रहा होता हूँ, और ये बंदा मेरी गोभी खोदने वाला होता है। मैं ग्लू वॉल लगा के अपने आप को बचा लेता हूँ, और इसको फिर मैं देता हूँ हेड शॉट, कैसा लगा मेरा हेड। और फिर मैं स्मोक कर देता हूँ स्मोक, बट स्मोक कहाँ ही जाता है, और इसको रिवाइव करता हूँ। और अब मैं जैसे ही स्मोक में गया और ही हो गई विक्ट्री, मतलब बुया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।